तू पांडे क्रांति, इनके अंदर तीन लोग रहते हैं, बहुत खोपड़ी चलती है इनकी। ये बहुत अच्छी राइटर हैं और काफी टीवी में आपने अपने बारे में थोड़ी सी तारीफ करी। फिल्म्स में लिखे हैं मैंने, एल्बम्स में लिखे हैं और टीवी शोज मेरे ज़्यादा किए हैं। अब तक मेरी 30 से ज़्यादा टीवी शोज में लिख चुकी हूँ, तो उसमें मैथो ज़्यादा है और हिस्टोरिकल है। और इतना सब कुछ करने के बाद इन्होंने मतलब एक रोमांटिक गाना लिखा है सर के साथ, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब बचपन से जिनके गाने हम लोग सुन सुन के बड़े हुए और आए, और साथ में जब काम करने का मौका मिला तो फिर मतलब उससे बड़ी बात और उससे ज्यादा खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तू देख बचपन से तू कितनी चेंज हो गई, मैं वहीं का वहीं सर आज भी यंग है। एंड दैट्स समीर मार्क, एंड इनको बुलाने से पहले मैं ये जहां इन्होंने मार्क किया उनको बुला लेता हूं। एक्सक्यूज मी, बिग बॉस चाहते हैं कि आप अंदर आइए। क्या डालोगे कन्फेशन रूम में? वो आवाज आनी चाहिए जोर से, बिग बॉस चाहते हैं सौंदर्य शर्मा। आप अंग्रेजी बोलती रहती हैं, आइए। तो आप लोग इनसे ही बात कीजिए, अभी आप लोग ही बात कीजिए, कहते आप लोग इनसे भी तो बात कर रही है विशाल, अभी बड़े दिन से की बात कर रही है। क्या विजुअल ले रहे सर? विजुअल ले रहे पहले। अरे विजुअल विजुअल सर, थोड़ा सा क्लोज आइए ना सर। आई थिंक दैट हाँ हाँ प्लीज मैम प्लीज जॉइन देम यस मैम, आप आ जाइए। थैंक यू मैम, आप आइए। हाँ सेंटर में, यस परफेक्ट। यस सर, एवरीवन गिव इन माय कैमरा सर। सर थोड़ा अंदर आइए, सेंटर में आ जाइए। वाइट वाइट यस सौंदर्य मुस्कान थैंक यू मुस्कान, एक आपका सोलो भी दे दीजिए ना। हाँ ओके 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 साजिद भाई, यस सर सर सर। एक मुस्कान जी आपका सोलो, मुस्कान जी सामने सामने मेरे कैमरा में एकदम। या मुस्कान जी सामने देखिए एकदम प्लीज। ओके थैंक यू। रिलीज इट, टेल अस यू नो हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यस ऑफ कोर्स आई एम मीटिंग यू गाइस, बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। पता नहीं पहले बड़ा फक्र में करता था आप लोगों के सामने आते हुए, आजकल थोड़ी सी शर्म सी आती है, मे बी आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो यस ऑफ कोर्स ताली में वाजिद, खैर लोग बात सोचते हैं वाजिद चला गया, बट आई डोंट नो व्हाई, आई एम वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट ही इज हेयर ओनली, यहीं पे रहता है और मेरे साथ में ही काम करता है। एंड ही इंस्पायर्स मी, ही कीप्स गिविंग मी आइडियाज, ही कीप्स शोइंग मी द वे आउट जब भी मैं परेशान हो जाता हूँ या किसी गाने को लेके हो जाता हूँ। सो बिलीव मी, मैं कभी कभी आँख बंद करके बैठता हूँ एंड आई मेडिटेट एंड आई थिंक अबाउट हिम कि वो इस वक्त क्या करेगा, किस तरीके से करेगा। एंड इट इंस्पायर्स मी, मुझे अच्छा लगता है वो सब करना एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा आता नहीं हूँ आप लोगों के सामने। और सेकंड में काफ़ी ट्रैवल भी कर रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट काम कर रहा हूँ, रुक नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जब एक जोड़ी टूटती है तो हमने बचपन से देखते आए हैं, हमारे बाप दादा भी इसी लाइन के अंदर हैं, म्यूज़िक के अंदर हैं।
तो लोग का कॉन्फिडेंस टूट जाता है एंड आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि फिल्म का काम करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है. बट जब तो मैं इसलिए किसी के पास गया नहीं, मे बी आई डोंट नो पीपल, मैं जाऊँ और मांगूँ काम के लिए बात करूँ या करूँ, इफ दे डोंट फील अनकंफर्टेबल और कंफर्टेबल, सो इट डजंट लुक नाइस. आई शुड नॉट प्रेशराइज माई पीपल, माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली. सो आई सेड वॉट टू डू. तो बैठा रहा और अचानक वाजिद की बर्थडे आने वाली थी. आई सेड यार आई डोंट नो वॉट टू डू, मैं क्या करूँ, केक काटूँ, फिर सलमान भाई के पास जाऊँ, केक लेके मैं भाई लेट्स सेलिब्रेट वाजिद बर्थडे. आई डोंट नो वॉट टू डू. एंड आई थॉट के मैंने ये एक्चुअली चैनल जो है ना, जब वाजिद की तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त चालू किया था. एंड मतलब एक वक्त आ गया था कि हम दोनों भाई एक दूसरे से इतना ज़्यादा हो गए थे, इतनी ज़्यादा मतलब वो सब बातचीत हो गई थी कि हमारे पास कुछ बातचीत करने को था नहीं. एंड हम लोग सिर्फ एक दूसरे को बैठ के में दिखते रहते थे और कुछ बात करते नहीं थे. सो देन आई रियलाइज कि उस वक्त सिर्फ म्यूज़िक ही था हमारे बीच में. एंड आई थॉट कि ये चैनल खोलूँगा तो कुछ बातचीत करने को मिलेगी, कुछ डिफरेंट चीज़ें बोलूँगा इसको तो ये एंटरटेन होगा. एंड येस ऑफकोर्स वही हुआ. जब हमने पहला लॉकडाउन के अंदर पहला गाना गया तो मैंने काफ़ी लोगों को, उदित जी को फ़ोन किया, हरिहरन को फ़ोन किया, एंड सब लोगों ने, शान ने, मतलब काफ़ी सिंगर्स हैं, हमने पहला गाना निकाला. एंड पहला गाना किया, दूसरा गाना मैंने कवाली करी. तो वो सब गाने में करता था, वाजिद को दिखाता था तो वो बड़ा खुश होता था हॉस्पिटल में और देखते रहता था, अरे यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो. एंड सडनली हमारे दोनों के बीच में बहुत सारी बातें वापस से चालू हो गई. एंड दैट गिव मी दैट थिंग इंस्पायर्ड मी टू गेट बैक इन टू द लाइफ अगेन. एंड उस दिन से फिर मैंने वाजिद की बर्थडे पे हर गाना करने लगा और अब जाके मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया. आई एम ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स. आई एम येस ऑफकोर्स आई एम डूइंग ओरिजिनल म्यूजिक ओनली एंड क्लीन म्यूजिक, जो आप अपने फैमिली के साथ जैसा कि आप लोग हमको जानते हैं तो उस किस्म के गाने कर रहा हूँ. और अब मुस्कान आ गई है तो अभी आई डोंट नो वेयर टू टेक हर ऑल्सो. तो मैंने कहा शी इज़ टैलेंटेड, तो शी इज़ हैंडलिंग द स्टूडियो एंड शी इज़ डूइंग दिस. सो ये एक जर्नी से हमारा कहीं ना कहीं तालीम की एक सफ़र चालू हुआ है एंड यहाँ तक हम आके पहुँचे हैं. एंड आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि जब भी गाना कोई रिलीज़ होता है या वीडियो रिलीज़ होता है तो मेरी मॉम बड़ी एक्साइट हो जाती है. एंड उसको एक सडनली वापस से वो फीलिंग आ जाती है कि यू नो साजिद भाई का कोई गाना रिलीज़ हुआ जैसे पहले होता था. तो वो काफ़ी दिन तक बंद हो गई थी. सो सडनली जब गाने आने चालू हो गए और मम्मी खुश होने लगी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. तो मैंने कहा चलो यार कहीं ना कहीं वो रास्ता दिख गया. तो ये रास्ते में यहाँ तक आके पहुँचा हूँ. बड़े दिन से ये मुस्कान का गाना है और काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी मेहनत की है. अब सभी लोगों ने मेहनत की है और इसके स्टार कास्ट के अंदर काफ़ी सोचा गया और ये बिग बॉस से आई हैं, इन्होंने आते साथ मतलब शी सेड एंड शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड एंड बड़ी इज्जत करती हैं. एंड जब मैंने इनको कहा कि बिग बॉस से आने के बाद विल यू डू अ सॉन्ग फॉर मी, तो शी सेड आई विल डू द फर्स्ट सॉन्ग फॉर यू. तो आई फेल्ट वेरी नाइस. आई सेड यू नो शी इज़ अ डॉक्टर, पढ़ी लिखी लड़की है. तो मैंने कहा वेरी गुड. सो आई सेड लेट्स डू समथिंग नाइस एंड शी सेड एनीथिंग फॉर यू एंड तालीम एंड लेट्स डू इट. एंड समीर मार्क मुझे पैसे मिल गया. वो आजकल वो इंस्टाग्राम के अंदर वैसे देखते रहते हैं ना सब, तो उसके अंदर देख रहा था. तो मैंने इसकी एक रील देखी तो मुझे पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे अच्छा लगा. मुझे लगा कि इसकी चेहरे में कोई बात है जो इस गाने के अंदर, इस गाने का बड़ा एक ठहराव है. इसकी पिक्चराइजेशन आप अगर देखो, इसका इसकी एक जो सीन्स हैं, जो एडिट है, जो मेरा डायरेक्टर है नितिन एफसीपी, उसको मैंने यही बात कही थी कि मेरे को फिल्म के अंदर पिक्चराइजेशन के अंदर ठहराव चाहिए क्योंकि अल्फाजों का मज़ा उसके साथ आएगा. एंड आई थिंक वी डिड जितनी भी जिस भी हालत के अंदर ये गाना एग्जीक्यूट किया, आई थिंक इट इज़ अ मैजिकल थिंग एंड पीपल आर लविंग इट, आई एम लाइकिंग इट. मम्मी खुश है, सब खुश है. थैंक यू. तालीम की जो जितने आपने गाने किए अभी तक, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे गाने चले, बिलियंस में जा रहे हैं. बिलियंस नहीं, बिलियंस में नहीं जा रहे हैं. खैर आपको कोई वो है, देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल हर चीज़ में काम कर रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं करती. अब मैं अपनी चीज़ों के अंदर ही बिजी रहता हूँ, चाहे वो फिर पिक्चराइजेशन हो. और हमने सीखा है
इतना सारा काम किया है बॉलीवुड के अंदर सलमान भाई के साथ, और इतनी शूटिंग्स हमने अटेंड की, तो हमें पता चलता है, हमें यू नो समझ में आता है कि इस तरीके से काम होता है। एंड अब मुझे ये लग रहा है कि ये एक एक जर्नी है, एक अलग जर्नी है, और गाने गाने होते हैं, चाहे वो फिल्म में आए, कुछ गानों का नसीब होता है वो बड़े कैनवास में आते हैं, वो भी गाने ही होते हैं, चाहे वो सिंगल्स में हों, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कव्वाली हो, कुछ भी हो, वो गाने ही हैं। और कहीं ना कहीं सुनकार वो उसका उससे उसकी ऐसी आशिकी होती है कि किसका भी गाना हो और कैसा भी गाना हो, अगर वो गाना उसे पसंद आए तो वो फिर ये सोचता नहीं कि ये कहाँ से आया है और कितना बड़ा है और कितना छोटा है, मेरे ख्याल से वो उसको पसंद करने लगता है। तो मेरा भी यही है इसमें, और मैं तालीम को उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ मैं अच्छे टैलेंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने स्टूडियो बनाया था, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे, बट आज मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोगों का इससे भला हो, वो वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव द टैलेंट, यू जस्ट वॉक इन टू तालीम एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू। साजिद वाले डुओ की बात की जाए, जो म्यूजिक कंपोज किया आपने, तो एक गाना जो राजू भाई की मेमोरी में आप हमेशा सोचते हैं कि इसकी बहुत स्पेशल जगह है आपकी लाइफ में, या जिससे आप हमेशा जो पढ़ा लिखा म्यूजिशियन होता है, एक म्यूजिशियन होता है जो गॉड गिफ्टेड म्यूजिशियन, वाजिद के अंदर पता नहीं क्या क्या गुण थे जिसकी वजह से उसका एक डीएनए बना हुआ था, और वो चौमुखा काम करता था। एंड मैं सच बोलूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, और हमेशा वो मेरा हाथ पकड़ के ही चला है, बट आई थिंक आई एम हिज वन ऑफ हिज फर्स्ट स्टूडेंट, बिकॉज मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, और आज जो कुछ भी मैंने उससे कुछ भी सीखा है वही मैं जानता हूँ करना, और वही मैं कर रहा हूँ। एंड वाजिद का एक गाना जो मुझे, ऐसा एक गाना तो नहीं है, वाजिद के ऐसे कई गाने जो अनबिलीवेबल हैं, और सारे गाने साजिद वाजिद के गाने हैं। आई वुड लव टू से साजिद, तो अब साजिद वाजिद एक नए साजिद वाजिद है, एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव वाजिद के जाने के बाद, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इमोशनल और मेकिंग पीपल इमोशनल हियर, बट आई जो मैं बिलीव करता हूँ वो मैं बात करता हूँ, आप लोग जानते हो मैं हमेशा टेलीविजन पे ऐसी बात करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि साजिद वाजिद के जाने के साथ साथ साजिद गया, एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू साजिद वाजिद हु आर एज न्यू एंड एज स्मॉल, and they are the fresh strugglers, and they are trying to get work and trying to meet people and trying to do good work again. So, and if you like their thing, please like it. Muskan ki baat ki jaye, aap uske mentor hain, you know, when you all work together, how is the atmosphere, how does it creatively work? Muskan and Mehak, I'll tell you, and I should not forget to take my little angel's name, Ayat. I have a small child in my house, and she is very talented, and Muskan usko sikhane ke chakkar mein Muskan bhi practice karti hai. Muskan is very dynamic, shy hai bahut zyada, hamare bachchon ne duniya nahi dekhi nahi hai, padhe likhe hain, well traveled hain, and adabdar hain, and matlab I am blessed to have my child like this, and at the same time she is very talented, I feel. एंड वो मैं बचपने में मुझे ऐसा लगता था कि वो बात सुर में करती है, तो वो आप उससे कभी भी आप बात करोगे तो आपको लगेगा कि इसका एक ही सुर में बात करती है, आप नोटिस करना ये बात। तो मैंने देखा कि ये कर सकती है, देन आई रियलाइज कि शी इज़ नॉट यू नो उसको इस चीज़ में ध्यान नहीं, उस चीज़ से ज़्यादातर उसने वो प्ले बैक के ऊपर बड़ा कॉन्सनट्रेट किया उसने, कि एक पिक्चर प्रोजेक्शन कैसा होता है गाने का, तो हमने उसको वही सिखाया, एंड दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग, एंड माशाल्लाह से शी इज़ अ वॉइस एंड शी रियली प्रैक्टिस हार्ड, और उसको अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारा एक्सपोजर की ज़रूरत है और काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शी प्लेज पियानो वेरी वेरी नाइस, तो कभी कभी रात को जब मैं थक जाता हूँ या मैं आता हूँ ना, तो शी घर में कोई नहीं होता, अंधेरा होता है, एंड शी सिट्स डाउन एंड प्लेज पियानो, सो आई लाइक हर दैट टाइम। कभी हम सलमान सर को देख पाएंगे इस म्यूजिक एल्बम पे, एनी इंडिपेंडेंट सॉन्ग? सलमान भाई मेरे चैनल पे, तो सलमान भाई का ही चैनल है,
सलमान भाई को जिस दिन उनका मूड होगा आप समझ सकते हो, ना मेरे चैनल की ना मेरे स्टूडियो की हिम्मत है कि उनको साइन कर ले एक गाने के लिए, बट हाँ जिस दिन उनका मूड होगा, बिकॉज वो बहुत मूडी आदमी है और उनके लिए किसी के ऊपर फेवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ज़िंदगी भर देखा है उनको, और यही नहीं कि हमारे ऊपर, काफ़ी लोगों के ऊपर करते हुए देखा, तो सलमान भाई का इस चैनल के ऊपर आके गाना करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, आई मीन जिस दिन वो बोलेंगे लेट्स डू दिस वो हो जाएगा। एंड आई फील मुझे एक बात कहनी है, आई फील वेरी नाइस टू अनाउंस दिस ऑल्सो बिकॉज मैंने काफ़ी इस टाइप के गाने करे, साजिद वाजिद वॉज ऑलवेज चौमुखा, हमने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक क्लब्स में भी बहुत चीज़ें बनाई हैं, हमने धार्मिक चीज़ें भी, भजन और कव्वालियाँ भी हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बनाई हैं। आज मेरे को टाइम मिलता है अपना खुद का काम सुनने के लिए तो मैं कभी कभी हम साजिद वाजिद के गाने लगा देता हूँ और सुनता हूँ कि इन्होंने काम कैसा किया, बट मुझे लगता है कि काफ़ी चौमुखा काम किया है, बहुत वर्सटाइल और सरप्राइज देना का काम बहुत किया है, तो वैसा ही मैं चाहता हूँ इस चैनल का, चैनल की दिशा भी उस तरीके से हो, तो मैं अभी बहुत जल्दी 16 तारीख को ये इंशाल्लाह मैं मेहनत तो कर रहा हूँ 16 तारीख